रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं बबल किचन की जानिब से आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए एक और बड़ी मज़ेदार टाइप की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका नाम जो आप यकीनन जानते होंगे, इन चीज़ों को देख के आपको पता चल गया होगा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चाइनीज़ राइस, जो कि मेरे स्टाइल में। तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी, ये मैंने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है 500 ग्राम, और 2 कप मैंने लिया है कैबिज, इसको मैंने काट लिया है। 1 कप हमें चाहिए इसमें गाजर, ये इसको भी मैंने जूलियन में काट लिया है। और 1/2 कप हमें चाहिए होगी शिमला मिर्च, ये भी मैंने जूलियन में काटी है। उसके अलावा हमें चाहिए होगा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और हमें चाहिए होंगे 1 टेबल स्पून, हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून चाहिए होगा वाइट नमक, और 2 टीस्पून हमें चाहिए होगा अजीनोमोटो, और 1 टीस्पून हमें चाहिए होगी काली मिर्च, और 2 अदर। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, ये मैंने पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, और अब हम इसमें डालेंगे अपना लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी ये अपना चिकन है, वो इसमें डाल देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ा सा। हमारा जो चिकन है वो तकरीबन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपने ये जो मैंने आपको मसाले बताए थे, ये ऐड कर देंगे इसमें। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस 2 टेबल स्पून, आप नाप के डालिएगा। 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा सिरका। हमने जो सोया सॉस और सिरका डाल दिया, और साथ ही हम अपनी जो जो कैबिज हमने काट के रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। आपको अलग से इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में आप करेंगे और आपकी टाइम की बचत भी हो जाएगी। अब इस अपनी ये जो गाजर है हमने वो भी इसमें इसी में ऐड कर देनी है। आपका टेस्ट देखिएगा, आप जो अपने स्टाइल में बनाती हैं और इस स्टाइल में बनाएंगी। तो मैंने आपको ब्लैक पेपर और सॉल्ट बताया, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी हमने शिमला मिर्च इसलिए नहीं डाली कि शिमला मिर्च हम सबसे एंड में डालेंगे, थोड़ी क्रंची क्रंची जो मुंह में आती है वो ज़्यादा मज़े की लगती है। और अभी मैं इसमें डालूंगी ये कॉर्न, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ ना भी डालें तो चलेगा। ये मैं एक कैन इसमें ऐड कर दूँगी। ये अब हम इसको करेंगे मिक्स, और जो इनका पानी इसमें सब्जियों का जो पानी होगा, जब तक वो सूखेगा, जब सूख जाएगा फिर हम अपने चूल्हे को बंद कर देंगे। देखिए हमारी जो सब्जियों का पानी था वो तकरीबन खुश्क हो चुका है, इसी में हमारी इसी पानी के अंदर हमारी सब्जियां भी गल जाएंगी और चिकन भी गल जाएगा। और इस दौरान ही मैंने अपने ये चावलों को बॉयल करने के लिए रख दिया है। एक चम्मच नमक डालकर बॉयल करने डालूँगी, थोड़ा सा फूड कलर पिंच से थोड़ा ज़्यादा, 2 पिंच लगा लें। और अभी हम इसको करेंगे जी, ये अब हम इसको अंडों को फ्राई करने के लिए इसमें डाल देंगे पैन के अंदर। इधर हमारे जो अंडे हैं वो फ्राई हो जाएंगे, हमने इसको बिल्कुल फैलाना नहीं है, बस इसको ऐसे ऐसे बनाना है। और साथ ही ये जो हमारी शिमला मिर्च पड़ी थी जो मैंने रखी हुई थी, वो सबसे एंड में इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमारा पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो अब शिमला मिर्च डाल के तो फिर बस 1-2 10-1 सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे और उतार लेंगे। जी भैया, ये हमारे चावल बॉयल हो गए हैं, अब हम इसकी प्रेपरेशन करेंगे कि इसको दम कैसे लगाना है। ये मैंने एक लेयर, जैसे बिरयानी की एक लेयर लगाते हैं चावलों की, पहले लगाई, उसके बाद हमने ये जितनी हमारी जो सब्जियाँ थी ये हमने फ्राई की थी, अंडा भी मैंने इसी के अंदर डाल दिया, और सारी की सारी हम एक ही दफ़ा इसमें ऐड कर देंगे। इसको फैला देंगे पूरी साइडों पे, और इसी तरह हम और डालेंगे इस पर थोड़ी सी केचप। इसी तरह हम इसके ऊपर फिर चावल डाल देंगे। चावलों को दम पे रख दिया है, तो उसको अब हम लगाएंगे तड़का। थोड़ा सा ऑयल लेंगे और उसमें डालेंगे हरे प्याज,
बिल्कुल थोड़े से, इसको हमने गोल्डन नहीं करना है, इसको हमने बस हल्का सा सोते करना है और जाएगा ये हमारे चावलों के ऊपर। तड़का लगा देंगे, इसको लगा देंगे दम पे रखेंगे और इसको 5 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। और इसकी फाइनल हमारे चाइनीज राइस की फाइनल लुक कितने देखने में इतने कलरफुल और मज़ेदार लग रहे हैं, तो यकीनन खाने में भी बहुत मज़े के होंगे क्योंकि मैंने टेस्ट करके देखे हैं तो वाकई बहुत मज़े के बने हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपके भी बहुत मज़े के बनेंगे। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।